हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी की खांडवी। तो बेसन की तो हमने खाई है कई बार, तो आज हम बनाएंगे सूजी वाली खांडवी। तो चलिए बनाते हैं। तो सूजी की खांडवी बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, दही, नमक और थोड़ी सी हींग। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है ये दही। थोड़ा सा खट्टा दही अगर आप लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी खांडवी। और उसी के साथ में मैंने यहाँ डाल दिया है ये सूजी। और कोई से भी आप ले सकते हैं, मोटी या बारीक, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक कप जितनी सूजी डाल दी है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी नमक। तो नमक आप टेस्ट के अपने जैसा आप खाते हो उस हिसाब से आप डालिए। इस एक कप सूजी से ना आप 30 से 40 खांडवी बना के तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग। हींग आप ज़रूर से डालिए, क्योंकि हींग का ना फ्लेवर जो आता है ना, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पे पानी डाला है, तो पानी अभी मैं फ़िलहाल 1.5 कप जितना यूज़ कर रही हूँ। और फिर बाद में जैसे मुझे ज़रूरत लगेगी ना, तो वैसे हम पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस बैटर को ना हमें थोड़ा लिक्विड ही रखना है, ज़्यादा हमें गाढ़ा बैटर नहीं रखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल के वीडियोज़ को जाके देखिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। तो ये ना बिल्कुल एकदम स्मूथ बैटर अभी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अब ये ना बहुत गाढ़ा है, हमें थोड़ा पतला करना होगा। तो मैंने इसी जार को थोड़ा सा धो के पानी इसमें मैंने डाला है। तो पानी में अभी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया, देखती हूँ अगर गाढ़ा लगेगा तो मैं और पानी का यूज़ करूँगी। तो ये वाला ना मुझे अभी और गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं और पानी डाल दूँगी। तो जितना पतला रहेगा ना घोल, उतनी अच्छी खांडवी बनेगी। तो बस थोड़ा सा पानी और डाला है, तो अभी ये कंसिस्टेंसी काफ़ी है। और अगर आप ज़्यादा देर तक है ना इस घोल को रखेंगे ना, तो ये रवा है ना पानी खींच लेता है। तो आप अपने हिसाब से फिर थोड़ा और पानी डालकर पतला कर सकते हो। और अभी मीनवाइल मैंने यहाँ पर ना गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसे स्टीम होने के लिए रखा है। अगर आपको ये येलो खांडवी बनानी है तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैंने एक थाली ले ली है, उसमें मैंने हल्का सा तेल ब्रश कर लिया है यहाँ पर। तो तेल हमें ज़्यादा नहीं लगाना है थाली पर भी, बिल्कुल हल्का हल्का लगाइए। और बस ये देखिए घोल कितना पतला है यहाँ, तो इस तरह से आपको घोल रखना है। और ये जो बैटर हम इसमें थाली में डालेंगे ना, ये थोड़ा सा पतला ही रखिए, क्योंकि जितनी पतली खांडवी होगी ना उतनी ही वो खाने में भी टेस्टी लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं ना, तो आप बिल्कुल 10 मिनट में ये खांडवी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो बस अब देखिए कढ़ाई में पानी भी अच्छे से स्टीम हो गया है और मैंने यहाँ पे इस थाली को रख दिया है। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट तक स्टीम करना है, बिल्कुल ढक्कन हटाना नहीं है बार बार। तो अब देखिए 4 मिनट हो गए और ये थाली देखिए हमारे खांडवी की बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप दूसरी थाली भी तैयार रखिए, ताकि जब हम एक निकालेंगे तो दूसरी हम वापस से कढ़ाई में लगा सकते हैं। तो मैंने एक दूसरी थाली भी रेडी करी है, वो मैं इसमें लगा दूंगी। और देखिए ये वाली थाली मैंने यहाँ बाहर रखी है। अब मैंने चाकू से इस पर कट्स लगा दिए हैं। तो आप देखिए आपको जितना मोटा पतला चाहिए, यानी ब्रॉड कितना चाहिए आपको खांडवी का साइज, उस हिसाब से आप इसमें कट्स लगा दीजिए। और इसे एक 10 सेकेंड के लिए मैंने छोड़ दिया था। और अब मैं इसे स्टार्टिंग में थोड़ा चाकू की हेल्प से मैंने उखेला है, और अब मैं इसे अपने फिंगर से धीरे धीरे इसे रोल कर रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से रोल हो गई है और इतनी अच्छे से खांडवी बन के निकली है। तो है ना बिल्कुल मज़ेदार और इतनी फटाफट बनने वाली, और ये खाने में भी ना इतनी ही टेस्टी है, उस खांडवी से भी जो नॉर्मली हम खाते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छी। तो ना मुझे ये अच्छी लगती है और इतनी जल्दी बन जाती है, और बिल्कुल इसमें वेस्टेज भी नहीं होता है, क्योंकि बेसन वाली जब हम बनाते हैं ना तो उसमें पीछे पीछे ना कढ़ाई में काफ़ी रह जाता है और बहुत वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये वाली देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के निकली है। तो आपको ये खांडवी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, और आप लोग बिल्कुल बनाइए इसे, बहुत जल्दी बन जाती है ये, 10 मिनट में आपके खांडवी बनकर तैयार है। लेकिन अब हम बनाएंगे इसके लिए तड़का, तो तड़के के बिना खांडवी का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए 2 थाली बनकर तैयार है मेरे, और अब हम लगाते हैं इस पर तड़का। तो तड़के के लिए पहले मैंने ले लिया है एक कढ़ाई छोटी सी, उसमें मैंने डाल दिया तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ना फली वाला तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती है फल्ली का तेल, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने डाल दिया है बारीक वाली जो राई होती है सरसों, वो डाली है, तिल डाली है सफ़ेद वाली, और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते का मैंने छौंक लगा दिया है। और अब मैंने ये खांडवी को रख दिया एक प्लेट में, इस पर हम करेंगे
इसका छौंक लगाएंगे और इसके बाद में ना ये खांडवी आप खाइए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। मैंने यहाँ पे ना अंदर कोई तीखापन के लिए मिर्ची का यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर रही हूँ। बस ऊपर से हरा धनिया गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए अपने गेस्ट को या अपने बच्चों को, टिफ़िन में आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, कभी शाम को स्नैक्स के लिए आप इसे बनाकर खाइए, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।